असलकम वरहतल्ही वरकत आप सबका इतिहाद न्यूज़ में खैर वो मकदम महंगाई का एक और हमला रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़े सामानों पर जीएसटी की दरें बढ़ी आटा पनीर दूध और दही सहित पैक लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पाँच प्रतिशत जीएसटी की दर लागू की गई है ब्रांडेड या अनब्रांडेड किसी भी तरह के पैकेज सामान पर जीएसटी की पाँच दरें लागू होंगी पहले केवल ब्रांडेड सामानों पर लागू होती थी जीएसटी काउंसिल की सैंतालीसवीं मीटिंग में जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर कुछ फ़ैसले लिए गए थे यह फैसले आज से यानी 18 जुलाई से देश भर में लागू हो गए हैं जहां जीएसटी की दरें बढ़ाई जा रही है वो सामान निम्नवत है आटा पनीर दूध और दही सहित पैक लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पाँच प्रतिशत जीएसटी की दर लागू की गई है ब्रांडेड या अनब्रांडेड किसी भी तरह के पैकेज सामान पर जीएसटी की पाँच प्रतिशत दरें लागू होंगी पहले केवल ब्रांडेड सामानों पर लागू होती थी पांच हजार रूपए से अधिक के किराए वाले अस्पताल के कमरों पर पांच प्रतिशत के दर से जीएसटी देना पड़ेगा आईसीयू आईसीसीयू एनआईसीयू से जुड़े रूम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा टेट्रा पैक पर अठारह फीसदी जीएसटी लगेगा एटलस सहित मानचित्रों और चार्टों पर बारह प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर अठारह जीएसटी लगेगा प्रिंटिंग राइटिंग ड्राइंग इंक कटिंग ब्लेड वाले चाकू पेपर चाकू पेंसिल शार्पनर एलईडी लैंप ड्राइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स पर जीएसटी की दरें 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई हैं सोलर वाटर हीटर पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है सड़कों पुलों रेलवे मेट्रो कचरे के ट्रीटमेंट प्लांट और शमशान घाटों से जुड़े काम के कॉन्ट्रैक्ट पर जीएसटी मौजूदा बारह प्रतिशत से बढ़कर अठारह कर दिया गया है साफ दिखता है कि इनमें ज्यादातर वे शामिल हैं जिन्हें हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं कोई कह सकता है कि पैकेज दाल आटा दूध दही का इस्तेमाल अमीर लोग करते हैं इसलिए गरीबों पर बोझ नहीं पड़ेगा लेकिन यह सब भ्रम है भारत में पच्चीस हजार रुपये प्रति महीने से ज्यादा कमाने वाले कामगारों की संख्या महज दस प्रतिशत है नब्बे प्रतिशत पच्चीस हजार से कम कमाते हैं इनमें सबसे अधिक शहरों में रहते हैं जहां अधिकतर किराने की दुकान पर दूध दही आटा दाल पैकेट में ही मिलता है यानी गरीबों पर बोझ डालने से जुड़ा सरकार ने एक और कदम लागू का कर दिया है व्यापारियों के समूह ने भी सरकार को सुझाव दिया था कि जीवन की जरूरतों से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं भले ही वो ब्रांडेड या अनब्रांडेड किस भी तरह के सामान हो उस पर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा छोटे और लघु उद्योग पर असर पड़ेगा नए इंडिया के नए शेर जरूरत पड़ी तो हम पब्लिसिटी पर पैसा पानी की तरह बहा देंगे पर अपने शेर के वाकई का शेर होने का सारी दुनिया को विश्वास दिला देंगे अब ये सेकुल वाले क्या मोदी जी को नया इंडिया भी नहीं लाने देंगे पहले बेचारों को अच्छे दिन नहीं लाने दिए बेचारों ने कितनी कोशिश की अठारह अट्ठारह घंटे काम किया और वो भी न कोई छुट्टी न कोई ब्रेक और कोई फैमिली टाइम तक नहीं बस भाषण और काम और हवाई यात्रा उसके पहले भी भाषण और काम और हवाई यात्रा और बाद में भी भाषण और काम और हवाई यात्रा हवाई जहाज थककर पुराने पड़ गए और नए हवाई जहाज खरीदने पड़े तब भी मोदी जी ने कोशिश नहीं छोड़ी फिर भी इसे कुल वालों ने उन्हें अच्छे दिन नहीं लाने दिए तो नहीं ही लाने दिए हर चीज में नुकताचीनी हर कदम पर झगड़ा हर बात पर किचकिच कारखाना बेचें तो क्यों बेचा तेल पर टैक्स बढ़ाएं तो क्यों बढ़ाया नोटबंदी करें तो पब्लिक को लाइन में क्यों लगवा दिया आजादी गैंग को जेल पहुंचाए तो आजादी पर कैंची क्यों चलाए जेएनयू वालों को देशभक्ति सिखाने के लिए वहां टैंक रखवाएं तो टैंक क्यों रखवा दिया ऑटो और, तो और सूट बूट पहनने से लेकर मशरूम खाने जैसे पर्सनल मामलों पर भी किचकिच -किच। चुनावी बाणों पर रफाल जेटों पर बुलेट ट्रेन पर भी किचकिच पट्ठों ने इतनी किचकिच -किच करी इतनी किचकिच -किच करी कि आज जाकर खुद पब्लिक ने एक दिन मोदी जी से प्रार्थना करी कि अच्छे दिन अदानी जी अंबानी जी के आ चुके सो उन्हें ही मुबारक हमारे लिए तो आप बस एक ठो नया इंडिया ला दो अच्छे दिन लाने की शुरुआत होने के बाद बीच में ही छोड़ना प्रधान सेवक जी को पसंद तो नहीं आया पर डेमोक्रेसी में पब्लिक ही राजा होती है राजा की मर्जी मानकर अच्छे दिन लाने का प्रोग्राम छोड़ना पड़ा अब मोदी जी ने तो नया इंडिया लाने का नया प्रोग्राम पकड़ लिया मगर इन सेकुलर वालों की किचकिच अब भी ज्यों की त्यों जारी है हर छोटी से छोटी बात पर किचकिच बताइए अब तो ये इस पर भी किचकिच कर रहे हैं कि मोदी जी जो नई संसद बनवा रहे हैं उसके शिखर पर जो विशाल लाट लगवा रहे हैं उसके शेरों की छाती इतनी चौड़ी क्यों है कि ये शेर जो भी देखे उसे फार खाने की मुद्रा में क्यों है अशोक की लाट वाले पहले के शेरों की तरह ये शेर शांत क्यों नहीं है बेचारी सरकार ने समझाने की कोशिश की कि लाट वही है बस साइज का अंतर है तो बंदे इसी पर शुरू हो गए बात साइज की नहीं अनुपात की है छाती से लेकर खुले मुंह और उसमें से झांकते दांतों तक मोदी लाट के शेरों का तो अनुपात ही गलत है अब इन्हें कोई कैसे समझाए कि अनुपात गलत नहीं है नया है लाट नई है संसद भवन नया है बनवाने वाला नया है तो शेर ही क्यों पुराना रहे मोदी जी के नए इंडिया का नया शेर है तो दहाड़ता हुआ और हर वक्त फार खाने को तैयार ही तो होगा सच पूछिए तो पहले वाला तो शेर था ही नहीं माने ऐसे सूरत शक्ल से तो शेर था मगर शेर वाली कोई बात ही नहीं थी न शेरों वाली दहाड़ और न आंखों में शेरों वाला आतंक और होता भी क्या राष्ट्रकवि कवि मैथिलेश्वरण गुप्त ने जिस बौघ भ्रांति भयावही के बारे में बताया था उसके चक्कर में सम्राट अशोक शांति शांति करने लगे तलवार से डराना छोकर से लोगों को समझाने लगे मूर्तिकार को तो राजा का अनुकरण करना ही था जो हाल इंसानों के राजा का मूर्तिकार ने वही हाल जंगल के राजा का कर दिया शेर बनाया और एक नहीं चारों दिशाओं में मुंह किए चार चार शेर बनाए पर उनमें शेर की आत्मा ही नहीं डाली तभी तो सारनाथ की अशोक वाली लाट के शेरों को बैठे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये शेर हैं। क्या लगता है यह कहकर हम राष्ट्रीय पशु का अपमान नहीं करना चाहते पर शेर लगता है यह हम नहीं मान सकते जरूर पुराने भारत में ऐसे ही शेरों के साथ बकरी एक ही घाट पर पानी पीती होगी पर यह नया इंडिया है इसमें शेर शेर ही रहेगा ज़रूरत हो तो बकरी के लिए अलग घाट भी बनवाया जा सकता है लेकिन बकरी को शेर के घाट पर पानी पिलवाने के लिए मोदी जी शेर को बकरी किसी को भी नहीं बनाने देंगे नए इंडिया में यह तुष्टीकरण नहीं चलेगा शेर है तो दहाड़ेगा भी बकरी होगी तो उसे डरना भी पड़ेगा यही प्रकृति का नियम है और नया इंडिया प्रकृति के नियमों से ही चलेगा कृत्रिम मानवतावादी नियमों से नहीं हाँ शेर और बकरी के रिश्ते की मिसाल से हलाल को सही ठहराने की कोशिश कोई नहीं करे पुराने भारत में बहुत होली शेर को बकरी बनाने की कोशिश अब और नहीं नए इंडिया में शेर को फिर से जंगल का राजा बनाया जाएगा जैसे इतिहास को सुधारा जा रहा है पृथ्वीराज से लेकर सावरकर तक सबका गौरव संवारा जा रहा है जैसे गाय का दर्जा उठाया जा रहा है वैसे ही शेर का दर्जा ऊपर उठाया जाएगा उसे भूखा शेर बनाया जा रहा है जिससे उसे देखकर ही नहीं उसकी दहाड़ भर सुनकर पूरा जंगल थर्राए नए इंडिया के नए शेर को बकरी समझने की गलती कोई न करे देश में अगर कोई हमारे शेर को बकरी समझेगा तो शेर का पंजा खाएगा 2002 में शेर की नाक में तिनका करने के लिए 2022 में षड्यंत्र के लिए लंबे टाइम के लिए जेल जाएगा और बाहर वाला तो कोई हमारे शेर को बकरी समझने की गलती करेगा ही क्यों खैर ज़रूरत पड़ी तो हम पब्लिसिटी पर पैसा पानी की तरह बहा देंगे पर अपने शेर के वाकई का शेर होने का सारी दुनिया को विश्वास दिला देंगे मोती लाठ के घोड़े की पूंछ कुत्ते जैसी क्यों हो गई इसका जिक्र कोई नहीं करेगा और सत्यमेव जयते के गायब होने का जिक्र तो और भी नहीं आखिर नए इंडिया की नई संसद की नई लाट है इतने नयों के बीच पुराने सत्यमेव जयते का क्या काम सत्य सत्य जपने के चक्कर में मियाँ जुबैर जेल में यूं ही थोड़े ही पड़े हैं सत्यमेव जयते अगर नए इंडिया की जेल में नहीं है तो ज़रूर नई संसद की असंसदीय शब्दों की सूची में आ गया होगा सत्यमेव जयते की जगह भी कुछ नया हो ही जाए फेके वजय